गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने थर्ड लेक्चर देख लिया होगा वीडियो और आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए होंगे। ये अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है एक्सरसाइज 3 के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन। आज हम इन क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कल रिप्लाई कीजिएगा। हम आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका मतलब कि सही सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो फिर आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब बच्चों, आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो इसको कब आइडियल बोलेंगे और कब हम लोग नॉन आइडियल बोलेंगे, ये आज पढ़ना है। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं, किस सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये जो डिफाइन होता है ना, ये रॉल्स लॉ के आधार पर होता है। क्या है? सोल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ ओवर ऑल कॉन्सेंट्रेशन रेंज। इसका मतलब समझते हैं हम लोग, मीनिंग क्या है। तो रॉल्स लॉ का मतलब है, जैसे अगर आपने दो कंपोनेंट का सोल्यूशन बनाया ए प्लस बी, तो जब आप सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे ए और बी को आपने मिला दिया एक कंटेनर में, इसको क्लोज कर दिया, इसमें दो कंपोनेंट है ए प्लस बी, तो यहां पर जो वेपर बनता है ए प्लस बी का मिला करके, इस वेपर का जब हमने प्रेशर निकालना होता है ना, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए निकालते हैं, जो कि होता है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, और फिर करते हैं हम लोग प्रेशर एग्जर्टेड बाय बी निकालते हैं कि इसमें बी कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, तो वो होता है पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पी ए और पी बी को जोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका है पी ए निकालने का, पी नोट एक्स ए और पी बी निकालने का, पी नोट बी एक्स बी, ये तो थियोरिटिकल तरीका हो गया ना, थियोरिटिकल थ्योरी से आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पर ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर जोड़ करके पी ए प्लस पी बी, ये होता है सोल्यूशन ऑफ प्रेशर। अब आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और बताना है कि यहां पर ये जो सोल्यूशन बना है, तो इसका जो ये जो वेपर है ना, ये वाला वेपर्स जो वेपर मैं दिखा रहा हूं, आप मैनोमीटर या बैरोमीटर जो भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है उससे इसका प्रेशर मेजर कीजिए, और ये प्रेशर एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किए हैं वो अगर इस तरीके से मेजर किया हुआ सोल्यूशन का प्रेशर, किस तरीके से, तो पी ए और पी बी निकाल करके, तो थ्योरेटिकल तरीके से जो आप सोल्यूशन का प्रेशर मेजर कर रहे हैं वही अगर एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया प्रेशर के बराबर हो जाए तो आप बोलेंगे सोल्यूशन कैसा है, ये आइडियल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? आइडियल सोल्यूशन है। तो समरी में अगर कहा जाए तो ये समरी है, क्या है, अगर एक्सपेरिमेंटल मेजर किया हुआ प्रेशर, किस चीज का प्रेशर, यहां जो वेपर बना ये वाला वेपर, इसमें जो एक्सपेरिमेंटल आप प्रेशर मेजर करते हैं ना, वो प्रेशर अगर रॉल्ट इक्वेशन से, रॉल्ट लॉ के इक्वेशन से मेजर किए हुए प्रेशर के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे ये कैसा सोल्यूशन है, ये आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉन आइडियल कब बोलेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहले बोलेंगे किसको, उसको डिफाइन कर लेते हैं, किसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो नॉन आइडियल का मतलब होता है सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओवर ऑल कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस। देखिए, जब भी हम वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नॉन आइडियलिटी चेक करने के लिए एक कंटेनर लीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए, उसमें दो लिक्विड डालिए ए और बी, इसमें क्या क्या डालें हम लोग, ए प्लस बी। अब यहाँ जो वेपर बना है
इस वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर मेजर कीजिए एक्सपेरिमेंट से, उसको बोल दीजिए पी एक्सपेरिमेंटली। अब क्या कीजिए, आप रॉल्स लॉ लगाइए। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर प्लस बी के वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। ए के वेपर कितना प्रेशर लगाते हैं, वो लगाते हैं पी नॉट ए एक्स ए, ये रॉल्स लॉ के अनुसार है। और बी के वेपर कितना प्रेशर लगाते हैं, तो पी नॉट बी एक्स बी। तो ये जो इस तरीके से थियोरिटिकली जो आप प्रेशर मेजर करेंगे, यही प्रेशर अगर एक्सपेरिमेंटली आ जाए, दिस इज इक्वल टू पी एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से जो प्रेशर मेजर किया वही ये वाला प्रेशर, ये दोनों बराबर हो जाए तो आप बोलेंगे कैसा है, आइडियल है। लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और रॉल्स लॉ के द्वारा लगाया गया प्रेशर अगर बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे आप, नॉन आइडियल। ठीक है, नॉन आइडियल का मतलब डू नॉट ओबे, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को सभी कॉन्सेंट्रेशन रेंज, कॉन्सेंट्रेशन रेंज कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक्स ए एक्स बी चेंज कर करके देख सकते हैं, अलग अलग एक्स ए एक्स बी पर एक्स ए एक्स बी का वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो जो आपका पी एस निकल कर आएगा, यानी कि पी एस मतलब एक्स थ्योरिटी, थ्योरी से रॉल्स लॉ यूज करके जो पी एस निकालेंगे वो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, तब बोलेंगे नॉन आइडियल। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन का समरी क्या है, समरी है कि रॉल्स लॉ से जो आप प्रेशर निकालते हैं पी एस, ये फॉर्मूला यूज करके, इसमें ये वाला पार्ट है प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए और ये वाला पार्ट है प्रेशर एग्जर्टेड बाय बी, तो ये प्रेशर, ये एक्सपेरिमेंटली जो आप प्रेशर निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब ग्राफिकली एक बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो देखिए ग्राफ बनाने का मतलब क्या है कि ए के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसका ग्राफ बनाइए, बी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ में ही दोनों को जोड़ दीजिए और फिर आप पी एस कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं पी ए को क्या लिख सकते हैं आप, पी ए है पी नॉट ए एक्स ए। देखिए ये ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर, इसमें ये वाला जो पी नॉट ए है ना ये तो कांस्टेंट है, तब देखिए होगा क्या, ये ग्राफ हो गया, पी ए को ले लीजिए वाई एक्सिस पर, इधर हम लिख रहे हैं पी ए को ले लीजिए वाई एक्सिस पर और ये हो गया आपका कांस्टेंट, इसको हम लोग एम बोल देंगे, और ये हो गया एक्स एक्सिस पर, इसको एक्स बोल दीजिए, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा। वैसे पी बी का कर्व अगर बनाना चाहें तो पी बी इज इक्वल टू होता है पी नॉट बी एक्स बी। अब देखिए पी बी को आप ले लीजिए वाई एक्सिस पर, ये हो गया कॉन्स्टेंट आपका जिसको एम मान लीजिए, और ये एक्स एक्सिस पर ले लीजिए तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये भी कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दोनों ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन, ये वाला भी ये वाला भी। अब एक काम करते हैं इस ग्राफ को बना लेते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं पहले वाई एक्सिस बनाइए। ठीक है, तो यहां पर हमने y एक्सिस और x एक्सिस बनाया है, तो y एक्सिस पर हम लोग प्रेशर एग्जर्टेड बाय a लेते हैं और x एक्सिस पर हम लोग लेते हैं एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ a। ठीक है, तो शुरुआत में यहां पर होगा एक्स ए इक्वल टू जीरो और एक्स ए को बढ़ाते बढ़ाते कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वन। ठीक है, तो आपका ग्राफ ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन होगा और एक्स ए को जब जीरो करेंगे, यानी एक्स को जब जीरो करेंगे, यानी एक्स ए को जब जीरो करेंगे आप, ठीक है ना, एक्स ए को आपने जीरो कर दिया तो ये पी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा और एक्स ए को जब वन करेंगे, दिस इज इक्वल टू वन, एक्स ए को वन कर देंगे तो पी ए क्या हो जाएगा, ये एक्स ए वन मतलब पी ए हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर। ठीक है ना, तो एक्स ए को वन कर दिए तो चलिए इधर हम लोग क्या करते हैं एक वाई एक्सिस बनाते हैं, तो हमने दोबारा से एक वाई एक्सिस बनाया ताकि हम यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू एक पी नॉट ए दिखा सकें, यह पी नॉट ए प्रेशर, ये कितना प्रेशर है पी नॉट ए, और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन है देखिए, ये डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, आप चाहें तो
सॉलिड लाइन भी खींच सकते हैं। ये हो गया पी ए का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए। तो ये वाले पोर्शन का ग्राफ हमारा, ये वाले पोर्शन का ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग पी बी का ग्राफ बनाते हैं। तो हम चाहें तो इसी ग्राफ में पी बी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए, आपने ऑलरेडी एक्स ए और वाई ए इधर एक्स एक्सिस पर, सॉरी एक्स ए दिखा दिया है ना। तो आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी ये जोड़ के वन होता है, यानी कि जिस एक्सिस पर आप एक्स ए दिखाए हैं उसी एक्सिस पर आप एक्स बी भी दिखा सकते हैं। कैसे? तो जब एक्स ए होगा ये वाला पोर्शन, जब ये होगा जीरो, तो एक्स बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन। तो एक्स ए जीरो, यहाँ पर एक्स बी हो गया वन, ठीक है। और फिर जब आप एक्स ए को वन करेंगे, ये वाला पोर्शन जब आपका वन होगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स बी? ये एक्स बी हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा उस टाइम में जीरो, क्योंकि दोनों जोड़ करके वन होना चाहिए। तो एक्स ए जैसे ही वन हुआ, ये वाला एक्स ए जैसे ही वन हो गया, एक्स बी हो गया जीरो, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पी बी का ग्राफ है ना, ये पी बी जो है, पी बी का ग्राफ जब एक्स बी जीरो है, तो एक्स बी जब जीरो था तो पी बी कितना था? पी बी था एक्स बी जीरो, तो पी बी हो गया जीरो आपका। तो ये पी बी हो गया जीरो, यहाँ पर जीरो पे देखिए हम इंडिकेट कर दिया। और जब एक्स बी वन हो गया, ये एक्स बी जब हो गया आपका वन के बराबर, तो पी बी कितना हो गया? ये पी नॉट बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो एक्स बी वन, एक्स बी जब वन हुआ तो पी बी का वैल्यू कुछ आएगा इधर पी नॉट बी, ये इधर हमने पी नॉट बी दिखा दिया। पी नॉट बी है बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, तो ये पी नॉट बी दिखा दिया। और फिर क्या कीजिए आप, इस दोनों लाइन को जोड़ दीजिए, ऐड मतलब मिला दीजिए, तो आपका ग्राफ बन जाएगा पी बी का, ठीक है। ये हमने दोनों लाइन को जोड़ दिया, तो ये जो ग्राफ बना है ये पी बी का ग्राफ बना है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक बच्चे को एक ही ग्राफ के अंदर पी ए और पी बी, कौन कौन सा चीज, पी ए और पी बी दोनों चीज एक ग्राफ के अंदर दिखाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना होगा, अब करना होगा हमें कि पी नोट एक्स ए, सॉरी अब करना होगा हमें पी नोट ए एक्स ए, पी नोट एक्स ए मतलब ये जो पी ए है, पी ए का ग्राफ है, और प्लस ये जो पी बी का ग्राफ है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पी एस का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहले शुरुआत में जोड़ते हैं, यहां पर बताइए ये वाला पॉइंट पर जब एक्स ए जीरो है, ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर जब एक्स ए है जीरो तो पी ए कितना है? एक्स ए जब है जीरो तो पी ए है जीरो, पी ए इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो वाला हो गया पी ए, पी ए का ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला पी ए ग्राफ इधर जीरो है। तो इस टाइम पर पी बी वाला ग्राफ कितना है? ये पी नोट बी, तो जीरो प्लस पी नोट बी जोड़ के क्या आएगा? पी नोट बी आएगा। और फिर तो एक पॉइंट आपको ये वाला मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अब इस पॉइंट पर आते हैं, इधर देखिए यहां पर आइए, यहां पर तो जब एक्स ए वन है या फिर जब एक्स बी जीरो है, तो एक्स बी जीरो है, एक्स बी जब जीरो है तो पी बी कितना होगा? पी बी हो गया जीरो जीरो, ठीक है। और जब एक्स बी जीरो है तो एक्स ए है वन, तो एक्स ए जब वन है तो पी ए कितना हो गया? तो उस टाइम में पी ए वाला ग्राफ में देखिए ये पी नॉट ए के बराबर है, जब एक्स ए वन है तो पी ए है पी नॉट ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ए वन है और एक्स बी जीरो है, जब एक्स बी जीरो है तो पी बी भी जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जीरो और ये हो गया पी नॉट ए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जीरो प्लस पी नॉट ए, तो हो जाएगा पी नॉट ए। ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें, तो अब ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये वाला जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो मिला है आपको, ये किसका ग्राफ मिला है? ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ मिला है, ठीक है ना। तो एक्स ए एक्स बी चेंज हो रहा है, और एक्स ए एक्स बी चेंज होने से, एक्स एस बी चेंज होने का मतलब, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये देखिए पी एस वाला इक्वेशन पे फिर से एक बार जाते हैं हम लोग, ये पी एस वाला इक्वेशन, इसमें एक्स ए और एक्स बी चेंज हो रहा है और उसके चलते पी एस जो है उस वो वैरी कर रहा है, तो वही ग्राफ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं।
ये वही वाला ग्राफ है, एक्स ए इक्वल टू जीरो, एक्स बी इक्वल टू वन, एक्स ए इक्वल टू वन, एक्स बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ है पी ए का, पी ए यानी पी नॉट ए एक्स ए। और ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पी बी का ग्राफ है, जो कि पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ जो सॉलिड लाइन वाला ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पी ए प्लस पी बी। और ये जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये एक्सपेरिमेंट करके जो आप प्रेशर निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए, तो आप उसको बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तब तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस कंडीशन में ए और बी का ऐसा क्या खासियत होना चाहिए, उस दोनों को मिलाएंगे तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो आइडियल सॉल्यूशन बनाए। इसके लिए देखिए क्या है, पहले एक कंटेनर में आपने ए ले लिया, और ए के दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है ना, ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट मतलब बेसिकली ये लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो मान लीजिए कि ये लोग जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं आपस में, वो 10 न्यूटन का फोर्स है। तो अगर आपको आइडियल सोल्यूशन बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर किसी कंटेनर में एक दूसरा कंपोनेंट बी लेते हैं, तो बी और बी के बीच में भी आपको बी कंपोनेंट इस तरीके से लेना है कि बी और बी के बीच में लगने वाला ये जो बी और बी लिक्विड होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी कितना होना चाहिए, 10 न्यूटन या उसी के आसपास होना चाहिए, इसी के आसपास, यानी 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। इसको इक्वल नॉट इक्वल टू इसको 1 न्यूटन या फिर इसको 100 न्यूटन के बराबर नहीं होना चाहिए। ये ए और ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ए और ए के बीच का फोर्स, ये बी और बी के बीच लगने वाले फोर्स से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, ऐसे दो लिक्विड को मिलाएंगे, ऐसे ए और बी को मिलाएंगे, एक कंटेनर में डाल देंगे, तो ए और बी का जो आपस में इंट्रैक्शन होगा, ए प्लस बी का जो आपस में इंट्रैक्शन होगा, इसके आपस का इंट्रैक्शन भी लगभग 10 न्यूटन का ही होगा। यानी वो 11 न्यूटन हो सकता है, 9 न्यूटन हो सकता है, लेकिन 100 न्यूटन नहीं हो सकता। तो इससे होगा क्या, इससे होना बस ये है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि जैसे देखिए, ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में 10 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था ना, तो ए को जब वेपर बनना है तो 10 न्यूटन का फोर्स तोड़ करके वो वेपर बनता है। ठीक है, तो ए जो वेपर बनता है, अच्छा तो ए जब वेपर बनता है तो कितना प्रेशर लगा, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है पी ए, वो एग्जर्ट करता है पी नॉट ए एक्स ए। अब अगर बी को वेपर बनना है तो बी कितना प्रेशर लगाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो बी को जो वेपर बनना है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स जो लिक्विड मॉलिक्यूल के आपस में लग रहा है, उस फोर्स को तोड़ करके इसको गैस में जाना पड़ेगा ना, वेपर बनना पड़ेगा जब वेपर बनेगा। तो ए जब बाहर निकल रहा था तो वो 10 न्यूटन का फोर्स लेकर के बाहर निकल रहा था, को तोड़ करके बाहर निकल रहा था। बी जब बाहर निकल रहा था तो 10 न्यूटन के फोर्स को तोड़ के बाहर निकल रहा था। तो अगर मान ले जाए कि ए और बी को मिलाए और ए और बी के बीच में भी 10 10 न्यूटन का ही फोर्स लगे, तो ए अभी भी उतना इंडिपेंडेंस से, उतना आसानी से बाहर निकल पाएगा जितना पहले निकलता था, जितना ए अकेला था तब निकलता था, और फिर बी भी उतना ही आसानी से बाहर निकल पाएगा जितना आसानी से बी जब अकेला था तब निकलता था, क्योंकि दोनों के बीच में ए मतलब 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये आइडियल बनेगा, यानी कि ए को जितना प्रेशर लगाना चाहिए थियोरेटिकली फॉर्मूला से, एक्सपेरिमेंटली भी उतना ही प्रेशर लगाएगा, और बी को जितना प्रेशर लगाना चाहिए फॉर्मूला से, एक्सपेरिमेंटली भी उतना ही प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर सोचिए कि ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन अगर मान लीजिए ये कुछ 200 न्यूटन हो जाए, तो क्या होगा, ए और बी आपस में दो लिक्विड इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने करने लगेंगे एक दूसरे को कि ये लोग वेपर बन ही नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा, जब ये वेपर नहीं बन पाएंगे तो फिर जो आप फॉर्मूला से ए और बी का पी ए पी बी निकालेंगे, ये देखिए ये हमने कैलकुलेट किया ना, पी ए पी बी, इधर में पी ए कैलकुलेट किया है और इधर पी बी कैलकुलेट किया है, तो फॉर्मूला से जो पी ए पी बी कैलकुलेट करेंगे, ये जितना कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंट से उतना निकल करके इस दोनों को जब जोड़ेंगे,
तो जोड़ करके जब पीएस निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट से उतना प्रेशर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स इतना ज़्यादा हो गया जब सॉल्यूशन बना है, जब ए और बी आपस में मिले हैं, कि ये वेपर बन ही नहीं पा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो प्रेशर कम मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो पी एक्सपेरिमेंटल थियोरिटिकल प्रेशर यानी पीएस के बराबर हो जाए, इसके लिए कंडीशन क्या है? पीएस जो कि आप निकालते हैं कैसे, ये रॉल्स लॉ यूज करके निकालते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाए। रॉल्स लॉ से कैलकुलेट किया गया प्रेशर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर हो जाए, इसके लिए कंडीशन क्या होना पड़ेगा कि ए ए मॉलिक्यूल का आपस में जो इंटरेक्शन था, बी और बी मॉलिक्यूल का आपस में वही इंटरेक्शन रहना चाहिए, और ए और बी को जब मिलाएंगे तो भी आपस में उनका इंटरेक्शन वही रहना चाहिए 10 न्यूटन का ही, ठीक है। तब ये बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन तब बनाएगा। इसी को एक बार समराइज करके हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो जो हमने पढ़ा है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कंडीशन है ऑल द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी यानी कि दो कंपोनेंट था ए और बी, इसके बीच में जो लगने वाला फोर्सेस है, और बिटवीन ए एंड ए, ए और ए के बीच में यानी कि कंपोनेंट ए था उसके मॉलिक्यूल का आपस में जो फोर्स था, या फिर कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल का आपस में फोर्स, ये जो तीनों अट्रैक्शन फोर्स है ए और बी के बीच में, ए और ए के बीच में, और बी के बीच में, ये सभी फोर्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं ये? आइडेंटिकल हैं, समझ गए। ये जब आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा? फिर ये जो पी ए है, पी ए का वैल्यू ये देखिए, ये पी ए का ग्राफ है, पी ए का जो वैल्यू है पी नॉट ए एक्स ए, और ये पी बी का ग्राफ है, पी बी यानी कि पी नॉट बी एक्स बी एक्स बी। तो यहां से जो आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे इस दोनों को जोड़ करके, पी ए प्लस पी बी, इस दोनों को जोड़ करके जो निकालेंगे वही वैल्यू हो जाएगा। कौन सा वैल्यू? पी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके भी उतना ही वेपर प्रेशर निकल करके आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा, उसका कैसा बिहेवियर होगा, क्या उसके प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। तब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखा जाए। तो अभी जो हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। समरी क्या है? समरी है ऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस? बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, और कौन सा है? बिटवीन ए एंड ए, ए और ए के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, और कौन सा फोर्स? बिटवीन बी एंड बी। तो ए ए के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, बी और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वही अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है? ए और बी के बीच में लग रहा है। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स तीनों केस में आइडेंटिकल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल, लगभग आइडेंटिकल, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं, लगभग आइडेंटिकल अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे अगर ये तीनों ए बी यानी ए ए और बी 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 के बीच में जो फोर्स हो वही ए बी के बीच में हो जाए, तब सॉल्यूशन कैसा बनेगा? वो आइडियल बनेगा। तो आइडियल बनेगा मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? रॉल्स लॉ लगा करके। कैसे? रॉल्स लॉ से, पी ए प्लस पी बी, पी ए निकालने का ये फॉर्मूला है और पी बी का ये फॉर्मूला है। तो यही जो प्रेशर रॉल्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे ये बराबर हो जाएगा पी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके जो आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे ये वो और ये प्रेशर बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन का हम बार बार ग्राफ इसलिए बना रहे ताकि ये ग्राफ आपको ध्यान रह जाए। ये पी ए है, ये पी बी है, और ये है पी एस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे जो आपस में एक जैसे दिखते हों, जिनका आपस में इंट्रैक्शन एक जैसा हो। जैसे आप बेंजीन ले लीजिए, ठीक है। तो ये बेंजीन है, और ये देखिए बेंजीन जैसा एक मॉलिक्यूल है टोलुइन, ये CH3 लगा दीजिए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं लगभग, दोनों एरोमेटिक है, दोनों में पोलैरिटी बहुत कम है। बेसिकली पोलैरिटी मतलब आयनिक बॉन्ड, आयनिक नेचर के बॉन्ड नहीं है, सारे कोवलेंट टाइप के बॉन्ड हैं, और डायपोल मोमेंट भी इसका बहुत कम है, तो पोलैरिटी बहुत कम है। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो
लगभग एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, तो इस दोनों को जब आप मिलाएंगे तो कैसा सोल्यूशन बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। या फिर एक और है, जैसे क्लोरो बेंजीन है, बेंजीन ले लिए, उसमें क्या लगा दिया आपने, बेंजीन ले लिए उसमें लगा दिया आपने क्लोरीन, या फिर बेंजीन लेकर के उसमें लगा दिया ब्रोमीन। तो क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या क्या खासियत होता है प्रॉपर्टीज, तो बताइए, ये ग्राफ है किसका है, ये है पीए का ग्राफ, ये ग्राफ है पीबी का ग्राफ है, और ये पीएस का ग्राफ, आपको याद हो जाए इसलिए हम बार बार बना रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है आइडियल सोल्यूशन के, तो देखिए, जैसे अगर आपने कंपोनेंट ए ले लिया, ए ले लिया कुछ आपने 10 ml, पहला प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, और बी भी ले लिया 10 ml, ए बी को मिला के जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन होगा 20 ml। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, सॉल्यूशन 20 ml इसलिए हो रहा है क्योंकि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच का जो इंट्रैक्शन है, उस इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। यानी पहले अगर एक कंटेनर में सिर्फ ए था, तो ए में जो इंट्रैक्शन था ए और ए के बीच में, और एक कंटेनर में सिर्फ बी था, बी और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन था, कुछ वैसा ही इंट्रैक्शन ए और बी के बीच में है। अगर ऐसा इंट्रैक्शन ना हो तो क्या ये 20 ml नहीं होता, तो देखते हैं। अगर मान लीजिए ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, बी और बी के मॉलिक्यूल आपस में 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, लेकिन ए बी के मॉलिक्यूल आपस में अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाने लगे, तो सोचिए दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएगा। तो जब दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा, ये कम जगह छेकेगा, यानी कि नेट जो वॉल्यूम 10 10 ml जोड़ के 20 ml होना चाहिए था, वो 20 ml से कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इस केस में आइडियल सोल्यूशन अगर बन रहा है तो ए और बी के बीच में भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जितना जगह पहले छेकते थे उतना ही जगह अभी भी छेक रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम दोनों का जुड़ जाता है एज इट इज, ए और बी का वॉल्यूम जुड़ गया। इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, क्या टेक्निकली इसको बोलते हैं, कि डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग जब आप करेंगे ए और बी को, तो मिक्सिंग करने के दौरान वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि 10 ml और 10 ml अगर आपने लिया है तो आपको कितना मिल जाएगा टोटल, 20 ml, कोई वॉल्यूम का लॉस या गेन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए जितना भी प्रॉपर्टीज है ना, सबका बेसिस यही है, इंटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, हर एक प्रॉपर्टीज का बेसिस यही है, जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। तो अगला प्रॉपर्टीज है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या, अगर ए और बी को मिक्स करेंगे, ए और बी को एक साथ एक कंटेनर में ले लेंगे, तो कोई एनर्जी रिलीज या गेन होगा। तो देखिए एनर्जी रिलीज या गेन कब होता है, एनर्जी रिलीज गेन कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। आप जैसे देखिए, ये अर्थ है और पेन, इधर एक पेन है मान लीजिए, उसको पेन गिर जाएगा, अर्थ के ऊपर गिर गया, तो अट्रैक्टिव फोर्स से पेन गिर गया ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो था पहले, वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा और वो साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दोनों में रिपल्सन हो रहा होता है, तो एनर्जी अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी उसको देना पड़ेगा ताकि वो दोनों आसपास रह पाए। ये दो चीज आपस में अगर रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को और दोनों को एक सोल्यूशन के अंदर रखना है, तो आपको रिपल्सन को ओवर करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी आपको, सप्लाई एनर्जी, ठीक है। यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ए और बी आपस में जितना, ए और ए आपस में जितना फोर्स लगा रहे थे उतना ही बी और बी लगा रहे हैं, और वही फोर्स ए और बी लगा रहे हैं, तो कोई फोर्स का चेंज नहीं हो रहा है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है ना रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए एनर्जी का भी कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग हो जाएगा जीरो। अगला प्रॉपर्टीज है डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग के दौरान
क्या एंट्रोपी का चेंज होगा? डेल्टा एस। एंट्रोपी का चेंज मतलब ऑर्डरनेस का चेंज होगा क्या? तो देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले कंटेनर में सिर्फ ए था, सिर्फ ए था, दूसरे कंटेनर में सिर्फ बी है, और तीसरे कंटेनर में ए और बी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक प्योर कंपोनेंट ए है, यहाँ पर प्योर कंपोनेंट बी है, तो रेंडमनेस कम है, ये ऑर्गेनाइज है ये चीज़ें। लेकिन जब दो चीज़ों को मिला देंगे ना, जैसे प्योर वाटर था कम रेंडमनेस, प्योर शुगर है तो भी कम रेंडमनेस, दोनों को मिला दीजिए तो शुगर रेंडमली मिक्स हो जाएगा वाटर के अंदर, तो यहाँ पर रेंडमनेस बढ़ गया है। रेंडमनेस जो है वो इंक्रीज कर गया है, रेंडमनेस इंक्रीज कर गया मिलाने से, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। कोई दिक्कत? अब अगला प्रॉपर्टीज है डेल्टा जी मिक्सिंग। तो डेल्टा जी मिक्सिंग निकालने के दो तरीके हैं। एक तो समझा जाए कि डेल्टा जी होता क्या है। डेल्टा जी है फ्री एनर्जी का चेंज। जब भी कोई प्रोसेस अपने आप होता है तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो हमको सोचना है क्या जब दो कंपोनेंट को मिलाते हैं ए और बी को, तो ये जो प्रोसेस होता है ए और बी का मिक्सिंग, क्या ये अपने आप हो जाता है? यानी कि अगर आपने शुगर और पानी को एक साथ रख दिया है या पानी में अल्कोहल रख दिया है, तो ये अगर मिक्स होना है तो अपने आप हो जाएगा, आपको मिक्स करना पड़ेगा? तो बेसिकली ये अपने आप मिक्स होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। कैसे? आप पानी में शुगर रख दो और 3 घंटे 4 घंटे के बाद आना, तो आप देखोगे कि शुगर मिक्स हो गया है। हम लोग जो मिक्स करते हैं ना, एजिटेट करते हैं चम्मच वगैरह डाल के, वो इसलिए ताकि मिक्सिंग जल्दी हो जाए। अदरवाइज मिक्सिंग तो अपने आप होता है, तो पानी में अल्कोहल भी दोगे तो मिक्सिंग अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्रोसेस अपने आप होता है उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो चूंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव है। एक और तरीका है डेल्टा जी समझने का, वो क्या तरीका है कि आप ये भूल जाइए, आप क्या कीजिए डेल्टा जी का फॉर्मूला लिख दीजिए। डेल्टा जी क्या होता है? होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है? ये है जीरो, देखिए अभी यहाँ लिखा जीरो हमने, माइनस टी टेम्परेचर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और डेल्टा एस क्या है? ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा जी क्या आ गया? देखिए बोलिए, ये जीरो है और ये नेगेटिव साइन इधर लगा हुआ है, और टेम्परेचर पॉजिटिव, इधर भी एक पॉजिटिव, तो नेट वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। तो डेल्टा एस हो गया, डेल्टा जी हो गया लेस देन जीरो। तो डेल्टा जी प्रूफ करने का दो तरीका है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही होगा, आपको और सोचने का जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि जब भी दो कंपोनेंट को मिलाते हैं ए प्लस बी, तो दो चीज हमेशा एक दूसरे में रेंडमली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये दो चीज तो हर एक सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ग्राफ पर ध्यान नहीं देना है, अभी कुछ बात बता रहे हैं, ग्राफ का यूज करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। इस वर्ड ये जो पॉजिटिव डिवेशन है ना, इस पर भी ध्यान नहीं देना है अभी, बस एक बात पर ध्यान देना है क्या कि नॉन आइडियल। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो हम क्या करते हैं, हम रॉल्स लॉ यूज करके प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखते हैं कि अगर रॉल्स लॉ से निकाला गया ये जो प्रेशर है, सॉल्यूशन का प्रेशर, ये अगर एक्सपेरिमेंटली निकाला गया प्रेशर के बराबर हो जाए तो बोलते हैं आइडियल है। अगर ये जो प्रेशर है ये रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से निकाला हुआ और एक्सपेरिमेंटली, ये अगर बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो बोलते हैं क्या है वो? तो बोलते हैं नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया प्रेशर, समराइज करके इसको लिख दें हम, नॉन आइडियल का मतलब, नॉन आइडियल का मतलब पी एक्सपेरिमेंटल इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू पी सॉल्यूशन बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के द्वारा जो पी सॉल्यूशन निकालते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? बराबर नहीं तो क्या होगा?
भाई, या तो ये वैल्यू बड़ा हो सकता है, ये वैल्यू छोटा हो सकता है। तो जब पी एक्सपेरिमेंटल, दो ही केस हो सकता है, अगर बड़ा हो जाए या फिर छोटा हो जाए। अगर पी एक्सपेरिमेंटल बड़ा है, पी सॉल्यूशन बाय रॉल्ट्स लॉ, तो इसको बोलेंगे, इसका नाम रख देंगे हम लोग नया नाम, क्या? पॉजिटिव डेविएशन। क्या नाम रखेंगे इसका? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये वर्ड पॉजिटिव मतलब पी एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है किससे? पी सॉल्यूशन कैलकुलेटेड बाय रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट लॉ के द्वारा कैलकुलेट किए हुए वैल्यू से बड़ा है। ये देखिए, रॉल्ट्स लॉ के द्वारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसलिए आया वर्ड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसी बात को हम ग्राफ से समझते हैं, ऐसा कब होता है। ठीक है, तो देखिए, रॉल्ट्स लॉ कहता है कि जब ए ए प्लस बी को आप मिलाते हैं दो कंपोनेंट को, तो जो पी ए, जो प्रेशर लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए? वो लगाना चाहिए पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो देखिए पी नॉट ए एक्स ए का ग्राफ क्या है? ये वाला ग्राफ है ये। तो यहां पर कौन सा ग्राफ है बताइए? ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, या फिर ये वाला ग्राफ है? तो ध्यान रहे, इस बार हमने थोड़ा सा एक्सिस पर जो वैल्यू लिया इसको चेंज कर दिया है, ताकि आप ग्राफ बनाना सीखें, याद ना करें। पहले हम लोग एक्स ए इक्वल टू जीरो यहां पर लेते थे, इस बार क्या लिया हमने? वन लिया है, तो एक्स ए इक्वल टू जीरो इस बार इधर नहीं है। इधर लेते थे एक्स बी इक्वल टू वन, इस बार क्या लिया? एक्स बी इक्वल टू जीरो। तो अब बताइए, ये वाला जो ग्राफ है, ये लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर पी बी? पी बी क्या है? पी बी है पी नॉट बी एक्स बी। चलिए देखते हैं, तो एक्स ए अगर वन है, एक्स ए अगर वन है, तो पी ए किसके बराबर हो गया? पी नॉट ए के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो एक्स ए अगर वन है, तो जो प्रेशर का वैल्यू है वो पी नॉट ए है, तो ये जो वैल्यू हो गया ये वाला, ये है पी नॉट ए। ठीक है, अच्छा एक्स ए अगर जीरो है, इसको अगर एक्स ए को जीरो कर देंगे तो क्या होगा? पी ए जीरो हो जाएगा, तो पी हो गया जीरो। जीरो कब होगा? ये यहाँ पर देखिए, एक्स ए जब जीरो है तो पी ए जीरो। तो ये वाला जो ग्राफ है, यहां से यहां तक, ये ग्राफ इस बार आपका है पी ए का, और जो ये वाला ग्राफ है, ये पी ए का ग्राफ हो गया। पी बी का ग्राफ देखते हैं, तो एक्स बी देखिए, एक्स बी को अगर आपने ले लेते हैं, एक्स बी अगर आपका एक्स बी है जीरो, एक्स बी जीरो कब है? यहाँ। तो पी बी कितना हो गया? ये जीरो लेंगे तो पी बी हो जाएगा जीरो, तो यानी कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और एक्स बी को अगर वन ले लेंगे आप, तो एक्स बी वन हो गया, तो पी बी हो गया पी नॉट बी। पी नॉट बी यानी एक्स बी वन यहाँ पर है, तो यहाँ के सामने ये जो वैल्यू मिला है, ये कौन सा वैल्यू है? ये है पी नॉट बी। तो ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ है पी बी का। ठीक है, ये तो आइडियल केस में है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल कब होगा। नॉन आइडियल का मतलब क्या है? नॉन आइडियल का मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकालेंगे पी एक्सपेरिमेंटल, ये वैल्यू ज्यादा हो जाना चाहिए किससे? जो आप पी ए प्लस पी बी इन फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला यूज करके। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला से जितना प्रेशर बाय ए निकल रहा है, एक्चुअल जो प्रेशर बाय ए का वैल्यू होगा वो फॉर्मूले से निकाले हुए वैल्यू से ज्यादा होगा। पी ए एक्चुअल जो है ना, वो फॉर्मूले के पी ए से ज्यादा होगा, और फिर वैसा ही पी बी एक्चुअल वो फॉर्मूले के पी बी से ज्यादा होगा। तभी तो दोनों को जब जोड़ेंगे, एक्चुअल वैल्यू जब जुड़ता होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये जब जुड़ता होगा तो पी एक्सपेरिमेंटल निकलता होगा, तो वो पी ए पी बी के सम से ज्यादा हो जाता होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ये वाला पी बी का ग्राफ, ये वाला, ये पी बी का एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये तो थियोरेटिकल ग्राफ है रॉल्ट लॉ के फॉर्मूला से। तो एक्चुअल ग्राफ क्या होगा? तो एक्चुअल ग्राफ जो है ना, वो पी बी का जो एक्चुअल ग्राफ है, वो ये जो वैल्यू है थियोरेटिकल वैल्यू, ये जो लाइन आपको डॉटेड दिख रहा है, उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगा आपको, ऐसा हमेशा मिलेगा, ऐसा उससे ज्यादा ऊपर ग्राफ जाएगा। तो ये एक्चुअली इस बार पी बी का ग्राफ है। ठीक है,
और वैसे ही पीए का ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्राफ है ये वाला, ये तो थियोरेटिकल ग्राफ है। जो पीए का एक्चुअल वैल्यू है वो थियोरेटिकल ग्राफ से ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए, तो पीए का ये ग्राफ एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल ग्राफ क्या होना चाहिए? ये वाला ग्राफ, इससे ज़्यादा बड़ा ऊपर वाला जाएगा वैल्यू। तब अगर आप पीए प्लस पीबी को जोड़ेंगे ना, पीए का एक्चुअल वैल्यू और पीबी के एक्चुअल वैल्यू को जोड़ेंगे, यानी एक्चुअल मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तब ये जो पी एक्सपेरिमेंटल आएगा ना, वो ये जो ग्राफ है ना, ये फॉर्मूला वाले पी ए प्लस पी बी को जोड़ करके ग्राफ बनाया गया था, अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ याद है तो। हमें लेकिन फॉर्मूला वाला पी और पी बी नहीं जोड़ना है, हमें अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए, पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, एक्चुअल वैल्यू, तो वो ये वाला एक्चुअल वैल्यू, ये जो ऊपर से ग्राफ गया ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला, ये पी बी का ग्राफ, ये पी बी का ग्राफ, और ये फिर पी ए का ग्राफ, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आपका जो इस बार एक्चुअल ग्राफ है ना वो इसके ऊपर से जाएगा ऐसा कुछ। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने का क्या रीजन है, ऐसा क्या खास बात है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। तो देखिए होता क्या है कि मान लिया जाए कि आपने एक कंटेनर लिया जिसमें ए डाला हुआ है, और ए और ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ए के दो मॉलिक्यूल, सिर्फ एक कंटेनर में ए लिया सिर्फ आपने, तो ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन। एक और कंटेनर ले लिया जिसमें बी डाल दिया, प्योर बी, और बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ जो फोर्स है वो मान लीजिए कुछ ऐसा 12 न्यूटन है, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, कुछ भी है, और आपने इस दोनों को मिला करके एक तीसरा कंटेनर लिया जिसमें ए और बी ऐड किया आपने, ए प्लस बी इक्वल टू दिस, तो इसमें जो ए और बी के मॉलिक्यूल एक साथ हैं, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स मान लीजिए अगर 2 न्यूटन हो गया या 1 न्यूटन हो गया, यानी कि ए के मॉलिक्यूल का आपस में जो फोर्स था, बी के मॉलिक्यूल का आपस में जो फोर्स था, उससे काफ़ी कम ये फोर्स हो गया, तो होगा क्या, लिक्विड मॉलिक्यूल का आपस में फोर्स लग नहीं रहा है जब मिक्सिंग हुआ, पहले लग रहा था, पहले जब ए और ए अकेला था तो लग रहा था, बी और बी अकेला था तो भी फोर्स लग रहा था, जब ए और बी का मिक्सिंग हो गया तब ये फोर्स लगना बंद हो गया, तो क्या होगा, ये लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे, जितना आप सोच रहे हैं जितना वेपर बनना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा वेपर बनेगा, उससे ज़्यादा वेपर बनेगा तो क्या होगा, पी ए का जो वैल्यू एक्चुअल आएगा या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा वो जो थियोरेटिकली आप कैलकुलेट करते हैं ना, थियोरेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला से, पी नॉट ए एक्स ए से, इस फॉर्मूले से जो वैल्यू होगा उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एक्चुअल में निकल करके आएगा, क्योंकि ए और बी को जब आप मिलाए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगना चाहिए पहले के कंपैरिजन में, पहले 10-12 न्यूटन के आसपास फोर्स लग रहा था, अभी इनके बीच में फोर्स बहुत कम हो गया है, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड स्टेट में नहीं रह के किधर चले जाते हैं, वेपर स्टेट में जाने लगते हैं, और वेपर स्टेट में जाने लगते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और वैसा ही बी के लिए भी हुआ है कि बी के मॉलिक्यूल पहले कितना फोर्स लगाते थे आपस में, 12 न्यूटन लगाते थे, अब अगर ये सॉल्यूशन बन गया ए और बी का तो आपस में कितने फोर्स लगने लगे, 2 न्यूटन लगने लगे ए और बी का आपस में, तो जो प्रेशर ऑफ बी है वो जो एक्चुअल वैल्यू है या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से जो निकल के आता है पी नॉट बी एक्स बी, उससे काफ़ी ज़्यादा निकल करके आएगा, और ज़्यादा निकल के आएगा तो इस दोनों का सम भी ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो इसी को हम लोग समराइज करके लिख लेते हैं एक बार। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि देखिए यही वाला ग्राफ अभी हमने बनाया था, ये वाला ग्राफ, ये है पीबी का एक्चुअल ग्राफ, ये है पीए का एक्चुअल ग्राफ, और ये है पीएस का एक्चुअल ग्राफ। तो है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्टिव ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए ए एंड बी बी मॉलिक्यूल्स। ये फोर्स कम है किसके कंपैरिजन में, ये ए और ए का आपस में जो फोर्स लग रहा था और बी का जो आपस में फोर्स लग रहा था उन दोनों से कम है। ए और ए के बीच में फोर्स अगर 10 न्यूटन लग रहा था, बी और बी के बीच में अगर मान लीजिए जैसे कुछ 15 न्यूटन लग रहा था, तो ए और बी में कितना फोर्स लग रहा है, वो कुछ 5 न्यूटन या 4 न्यूटन या 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसा। देखिए
ये जो हम फोर्स का वैल्यू बता रहे हैं ना, ये अपने मन से बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। ऐसा नहीं कि 4 न्यूटन फोर्स ही लगता होगा या 10 न्यूटन फोर्स ही लगता होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हम अपने मन से आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन फिक्स है, कंडीशन यही है कि ए ए के आपस में अगर 10 न्यूटन लगता है और बी और बी के आपस में 15 न्यूटन लगता है, तो ए और बी का आपस में कम फोर्स लगेगा। इधर जितना लगता है उससे काफी कम, ये 4 न्यूटन हो सकता है, 3 न्यूटन हो सकता है, हो सकता है इधर 5 न्यूटन लगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल में ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो इसके एग्जाम्पल से जैसे देखिए, अगर आप एल्कोहल लेते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम, जैसे CH3CH2OH। तो आप देखेंगे एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में H बॉन्ड, एल्कोहल के मॉलिक्यूल, ये कंपोनेंट A है, तो आपस में ये लोग कौन सा फोर्स लगाते होंगे, A और A H बॉन्ड लगाते होंगे, ये H बॉन्ड लगाते हैं, H बॉन्ड यानी कि बहुत स्ट्रांग फोर्स लग रहा है आपस में। और दूसरा एसीटोन ले लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो अब एसीटोन तो एच बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो एसीटोन के मॉलिक्यूल आपस में कौन सा फोर्स लगाएंगे, तो ये देखिए एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये डायपोल डायपोल फोर्स लगाएगा, या वंडरवाल फोर्स बोलिए क्लियरली, कंफ्यूजन हटाने के लिए। कौन सा फोर्स लगाएगा, एच बॉन्ड लग नहीं रहा है तो वंडरवाल फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहां पर स्पेशली वंडरवाल का कैटेगरी पूछेगा कोई, तो हम बोल सकते हैं डायपोल डायपोल, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल, इसमें डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड में ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव रहेगा, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, तो पोलर बॉन्ड है तो डायपोल डायपोल फोर्स लगेगा। लेकिन इस दोनों को जब मिला देंगे आप, तो जैसे मान लीजिए आपने ए और बी को आपस में मिला दिया, इस दोनों को एक कंटेनर में ऐड कर दिया आपने, तो क्या होगा, इस दोनों को जब एक कंटेनर में ऐड कर देंगे, तो ये जो ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में एच बॉन्ड लगा रहे थे, उसको उसके बीच में ये घुस जाएगा एसीटोन, और ये इसको एच बॉन्ड लगाने नहीं देगा। तो ये देखिए, ये अपने तो कमजोर फोर्स लगा ही रहा था, ये मॉलिक्यूल जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल थे जो एच बॉन्ड आपस में लगा रहे थे, उसको भी ये एच बॉन्ड लगाने अभी नहीं दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हो रहा है कि ए और बी का जो, यानी ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए और बी का जो आपस में इंट्रैक्शन है वो कमजोर हो गया है। पहले जो इंट्रैक्शन चल रहा था ए और ए का, या फिर बी और बी का, वो इंट्रैक्शन ज्यादा मजबूत था, एक केस में तो एच बॉन्ड था, बाद में एच बॉन्ड टूट गया, तो ये इंट्रैक्शन कैसा हो गया, कमजोर हो गया। इंट्रैक्शन कमजोर हो गया तो ज्यादा वेपर, मोर वेपर फॉर्म होने लगा, मोर वेपर फॉर्म होने लगा, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा वेपर बनेगा तो जो पी एक्सपेरिमेंटल आएगा वो ज्यादा निकल करके आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसका क्या क्या खासियत है। तो देखिए प्रॉपर्टी जो भी है ना, ये देखिए ये ग्राफ है, आप ग्राफ हम बार बार बना रहे हैं ताकि आप ध्यान रखें, ये है पीबी का एक्चुअल ग्राफ, ये है पीए का एक्चुअल ग्राफ, और ये ग्राफ है पीएस का एक्चुअल ग्राफ, और ये जो डॉटेड ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन बनता तो डॉटेड जैसा ग्राफ होता, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, इसके जो खासियत है क्या क्या खासियत है। तो पहले खासियत किस बेसिस पर निकालते हैं, तो उसका तरीका सिंपल है कि आपको इंट्रैक्शन देखना है, ए और ए का इंट्रैक्शन, बी और बी का आपस में इंट्रैक्शन, और जब मिला देंगे दोनों को, जोड़ करके दोनों को ये बना देंगे, तो ए और बी का आपस में इंट्रैक्शन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब ए और ए के बीच में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, बी और बी के बीच में 10 न्यूटन, तो ए बी के बीच में कुछ कम, बहुत कम, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इससे होगा क्या, होगा ये कि जब ए का आप 10 ml लेंगे, बी का 10 ml लेंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना, ये 20 ml मिलेगा क्या, नहीं। हुआ क्या है, पहले ए और ए आपस में ज्यादा फोर्स लगा रहे थे, 10 न्यूटन लगा रहे थे, तो ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में नजदीक नजदीक रहते थे। अभी बी और बी के मॉलिक्यूल भी आपस में 10 न्यूटन या कुछ ऐसा 12 न्यूटन लगा रहे थे, 12 15 ऐसा कुछ भी मान लीजिए, 10 न्यूटन के ऊपर कोई 12 भी ले सकता है,
तो ये लोग भी आपस में नजदीक नजदीक रहे थे, दो मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा इंटरेक्शन था, नजदीक नजदीक थे। लेकिन ए और बी को जब मिला है तो मॉलिक्यूल दूर दूर चला गया, क्यों? क्योंकि फोर्स घट गया है। फोर्स घट गया, जब मॉलिक्यूल दूर दूर चला गया तो ये ज्यादा जगह चलेगा, मोर स्पेस रिक्वायर्ड होगा इसको रहने के लिए, मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस चाहिए। तो क्या होगा, 10 ml 10 ml दोनों मिलाएंगे तो 20 ml में जगह, 20 ml जगह में ये लोग नहीं हटेगा, इसको कितना जगह चाहिए, कुछ इधर 25 ml ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है ना, 10 ml 10 ml मिलाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। 10 10 ml मिलके 20 होना चाहिए, हो कितना गया, 20 से ज्यादा, 25 हो गया, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। अब बात कर रहे हैं हम लोग डेल्टा एच मिक्सिंग का। तो डेल्टा एच मिक्सिंग फिर वही बात है, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा है तो एनर्जी रिलीज होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा है एनर्जी रिलीज होता है। जैसे पेन अगर गिरे अर्थ पर, तो ये पेन है, ये मान लीजिए एक पत्थर है जो कि अर्थ पर गिर गया, तो एनर्जी रिलीज होता है ना, किस फॉर्म में, तो देखेंगे जब पेन कोई पत्थर गिरता है अर्थ पर तो साउंड वगैरह निकलता है ना, तो यानी एनर्जी बाहर निकलता है, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स से दोनों जुड़ जाते हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी एनर्जी बाहर निकलता है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स घटता है तो एनर्जी देना पड़ता है हमें, है कि नहीं, एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा, एनर्जी उसका उल्टा काम होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि जब ए और बी को मिला है तो अट्रैक्टिव फोर्स घटा है या बढ़ा है, अट्रैक्टिव फोर्स घट गया है, यानी आपको एनर्जी देना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, एनर्जी देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक, कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक, एनर्जी इसमें रिलीज नहीं होगा। एनर्जी कब रिलीज होता, जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता, डेल्टा वी हो गया। अब आगे बात करते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग। तो हमने तो ये पढ़ाई है आपको, पहले बताया है कि डेल्टा एस तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, क्यों, डेल्टा एस इसलिए ग्रेटर देन जीरो होता है क्योंकि जब भी दो चीज को मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे, तो दोनों आपस में रैंडमली मिक्स हो जाते हैं, या दोनों जो मिक्स होते हैं तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए डेल्टा एस मिक्सिंग जो वो कैसा है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मोर रेंडम होता है, रेंडमनेस बढ़ जाता है, रेंडम इंक्रीजेस। और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होना है, डेल्टा जी मिक्सिंग होना है लेस देन जीरो, क्यों, क्योंकि ये तो प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी पे डिपेंड करता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। देखिए जब भी दो चीज को मिलाते हैं तो मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस अपने आप ही होता है, अगर अपने आप नहीं हुआ तो मिक्स होगा ही नहीं। जैसे वाटर प्लस ऑयल, ये अपने आप मिलता है क्या, नहीं मिलता है, तो इसको आप मिक्स कर भी नहीं सकते हैं कभी, फोर्स करके दो चीजों को मिक्स नहीं किया सकता, वाटर ऑयल कभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो जब भी दो चीज मिलते हैं आपस में, तो अगर वो दोनों एक दूसरे में घुलना है, डिजॉल्व होना है, तो वो अपने आप होगा। जैसे आप एक गिलास पानी में नमक रख के छोड़ दो तो 3 घंटा पूरा घुल जाएगा, चीनी रख के छोड़ दो पूरा अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ऐसे डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव, नॉन आइडियल तो है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ, इससे पहले हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव डेविएशन। अभी आप लोग ग्राफ पर ध्यान मत दीजिएगा, ग्राफ के बारे में हम बताएंगे अलग से, ठीक है, पहले समझा जाए नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है। देखिए नॉन आइडियल का मतलब क्या है, नॉन आइडियल का मतलब है जो पी एक्सपेरिमेंटल है वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो जो रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से प्रेशर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये जो रॉल्ट लॉ से निकालते हैं ना, ये वाला प्रेशर, रॉल्ट लॉ का फॉर्मूला यूज करके एक्सपेरिमेंटल प्रेशर इसके बराबर होना चाहिए था तो आइडियल हो जाता, ये नहीं है तो क्या है, ये नॉन आइडियल। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव से क्या सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव मतलब क्या है कि ये जो प्रेशर है ना, तो बराबर नहीं तो ज्यादा है या कम है, ये ज्यादा है कम है, तो कम है, कम का मतलब ये नहीं कि सोचना है नेगेटिव है, ये है कम एक्चुअली। ये प्रेशर मान लीजिए अगर आपका वेपर प्रेशर इधर 10 टॉर निकल के आता है, टॉर प्रेशर का एक यूनिट है, तो यहाँ कितना निकल के आएगा, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको 5 ही टॉर मिलेगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला से आपने निकाला, रॉल्ट लॉ के फॉर्मूला से 10 टॉर, एक्सपेरिमेंट करके निकल गया 5 टॉर, तो कम प्रेशर, इसलिए इसको बोल देते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है।
तो हम लोग बात करेंगे कि ऐसा नेगेटिव डिविजन आता क्यों है। देखिए सॉल्यूशन का प्रेशर रॉड लॉस कैसे निकालते हैं, तो आपको पी ए प्लस पी बी निकालना पड़ता है। पी ए का फॉर्मूला ये यूज करते हैं और पी बी का फॉर्मूला ये यूज करते हैं, और दोनों को जोड़ के सॉल्यूशन का प्रेशर बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट करके आप कोई डिवाइस लेकर के प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से प्रेशर मेजर कीजिए और देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ये कम कब हो सकता है, वो कम तब होगा जब पी ए ए के द्वारा लगाया गया जो एक्चुअल प्रेशर है यानी जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है वो फॉर्मूला से निकाला हुआ जो प्रेशर, फॉर्मूला से कितना प्रेशर निकालना है तो पी नॉट ए एक्स ए, फॉर्मूला से निकाले हुए प्रेशर से, या फिर ऐसा बोलिए फॉर्मूला से निकाले हुए प्रेशर को हम लोग पी ए बोलते हैं, और यही पी ए जो है इसी पी ए का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं अभी हम लोग पी नॉट ए एक्स ए। तो फॉर्मूला से जो निकाला हुआ प्रेशर है एक्चुअल प्रेशर उससे काफ़ी कम होगा, और वैसा ही कंडीशन बी के लिए भी होगा कि पी बी बी का जो एक्चुअल प्रेशर लगा रहा होगा बी के मॉलिक्यूल वो जो बी का फॉर्मूला से निकाला हुआ प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है फॉर्मूला से निकाला हुआ पी नॉट बी एक्स बी, ये रॉड्स लॉ के फॉर्मूले से निकाला हुआ प्रेशर है, तो इससे कम होगा एक्चुअल प्रेशर बी का। तब ग्राफ बनाते हैं, देखिए तो अभी हमने जस्ट बनाया था ना, ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है पी ए का या पी बी का, ये पहली बात तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है डॉटेड ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में ऐसा ग्राफ बनता है। तो आप बताइए कौन सा ग्राफ पी ए है कौन सा पी बी है, ये वाला बताइए कौन सा है, ये वाला अभी जस्ट हमने बनाया था। तो हम बताते हैं ये वाला जो ग्राफ है ना, ये देखिए एक्स बी जीरो है ना, तो एक्स बी जीरो पर कौन जीरो होगा, पी बी जीरो होगा या पी ए जीरो होगा, तो एक्स बी जीरो पर पी बी जीरो होगा यानी जीरो से स्टार्ट होने वाला ग्राफ किसका है पी बी का है, और ये वाला ग्राफ तो किसका हो जाएगा पी ए का हो जाएगा। लेकिन ये ग्राफ तब होता है ये दोनों जब सॉल्यूशन कैसा होता आइडियल होता, अभी तो है ये नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव मतलब जो एक्चुअल पी ए का ग्राफ है वो इस ग्राफ से नीचे जाएगा, प्रेशर उसका कम रहेगा। तो ये जो पी ए का ग्राफ है ना, इसका जो एक्चुअल ग्राफ है, ये जो पी ए का एक्चुअल ग्राफ है, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है ये वाला नहीं है जो डॉटेड लाइन है, पी ए का एक्चुअल ग्राफ इससे कम होगा यानी कि ग्राफ नीचे से जाएगा, ये नेगेटिव डिविजन, ये है पी ए का एक्चुअल ग्राफ पी ए, ठीक है। वैसे ही पी बी का जो ग्राफ है जो आपको दिख रहा है वो ग्राफ पी बी का नहीं है, ये जो ग्राफ है ये आइडियल होता तब ये वाला ग्राफ होता, ये वाला जो दिख रहा है, तो पी बी का ग्राफ होगा क्या, इस ग्राफ के नीचे से गुजरेगा वो, एक्चुअली नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है आपको, इस दोनों को जब जोड़ेंगे पी ए ये पी बी है, सॉरी ये पी बी है, पी ए पी बी को जोड़ेंगे तो इस बार जो ग्राफ आना चाहिए ये देखिए, ये ग्राफ कब होता जब आप स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को जोड़ते, लेकिन अभी तो आप कर्व ग्राफ को जोड़ रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के नीचे है, तो जोड़ करके भी जो ग्राफ आएगा ना पी ए और पी बी को जोड़ करके वो भी इसके क्या आएगा नीचे आएगा। तो ये हो गया नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। इस ग्राफ को सब लोग ध्यान में रखें, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर कब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और कब नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव डेविएशन के कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, कंडीशन मतलब आखिर कौन सा सिचुएशन आएगा कि ग्राफ नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ये देखिए नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ, ग्राफ सब नीचे से गुजर रहा है ना, ये सारे ग्राफ नीचे से, एक्चुअल ग्राफ जो होने चाहिए उसके नीचे से गुजर रहे हैं। तो ये हो गया पी बी का ग्राफ, ये हो गया पी ए का ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, और ये हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी ये है कि जो पी ए पी बी का ग्राफ यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है ना, पी बी का ग्राफ ये वाला ग्राफ है एक्चुअली, ये वाला जो ग्राफ है ना ये पी बी का ग्राफ है, और पी ए का कौन सा ग्राफ है तो पी ए का ग्राफ ये वाला ग्राफ है, और ये है आपका। तो ये आइडियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जब आइडियल होता तो पी ए का ग्राफ ये वाला होता और आइडियल होता तो पी बी का ग्राफ ये वाला होता। अभी एक्चुअल पी बी का ग्राफ कौन है, तो इसके जो नीचे वाला ग्राफ, इसके नीचे कौन सा ग्राफ है, इसके नीचे ये वाला ग्राफ है, तो ठीक है ये इंडिकेशन सही है, ये पी बी का ग्राफ है, और जो ये वाला ग्राफ है ना ये वाला पी ए के नीचे वाला ग्राफ, तो ये ए का ग्राफ है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तो अब फिर देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फिर वही बात है, कंडीशन सब कुछ अट्रैक्टिव फोर्स पर ही डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी,
देखिए कंटेनर ले लीजिए जिसमें ए रखिए और एक कंटेनर ले लीजिए जिसमें बी रखिए। तो बी और बी के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगा, दोनों को जोड़ करके एक नया कंटेनर बनाइए, दोनों लिक्विड मिला दीजिए इसमें और नया कंटेनर में ए और बी के बीच में ए और बी का आपस में इंट्रैक्शन होगा। नेगेटिव डिवेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव डिवेशन का मतलब है कि प्रेशर कम एग्जर्ट कर रहा है, यानी कि अगर ए और ए के बीच में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और बी के बीच में कुछ ऐसा 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ए और बी को जब आप आपस में मिलाए तो कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि ए और बी आपस में कुछ ऐसा 20 न्यूटन फोर्स लगाने लगे, तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि ए और बी के लिक्विड के बीच में अगर ज्यादा फोर्स लगने लगा तो ये वेपर बनने की टेंडेंसी नहीं रखेगा या कम रखेगा, ये वेपर बनना ही नहीं चाहेगा। जब वेपर नहीं बनना चाहेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए ए के द्वारा जितना एक्चुअल प्रेशर लगना चाहिए रॉल्स लॉ से जो आप कैलकुलेट करते हैं पी नॉट एक्स से, उससे कम प्रेशर लगाता है। क्यों? क्योंकि ए और बी के मॉलिक्यूल को जब आपस में मिलाए हैं तो इनके बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, ये 20 न्यूटन, पहले 10 न्यूटन था या 12 न्यूटन का फोर्स था, अभी 20 न्यूटन हो गया। अब वही जो ए के साथ हुआ वही बी के साथ होगा, जो पी बी एक्चुअल होगा, जो बी का एक्चुअल फोर्स सॉरी प्रेशर होगा वो भी कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी और ए का आपस में बहुत इंट्रैक्शन है, तो न तो बी के मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं और ना ही ए के मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं, मतलब बेसिकली वेपराइज होंगे लेकिन कम वेपराइज होंगे। तो पी बी एक्चुअल इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, यानी फॉर्मूला से जो वैल्यू निकालते हैं उससे कम निकल करके आएगा। तो वही यहाँ लिख दिया गया है, अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो फोर्स है ये वाला, ये जो फोर्स है 20 न्यूटन का, इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन ए ए मॉलिक्यूल्स एंड बी बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो नेगेटिव डिवेशन मतलब फोर्स बढ़ना चाहिए, तो जनरली इसके एग्जाम्पल में ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जब ए और बी को आप मिलाएं आपस में और दोनों के बीच में स्ट्रांग एच बॉन्ड बन जाए, क्या हो, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, दोनों मॉलिक्यूल आपस में इतना जुड़ जाएं कि वेपर बनना न चाहे, दोनों लिक्विड इतना जुड़ जाए। जैसे देखिए आप H2O है और इसमें मिला दीजिए HNO3, तो देखिए H2O का स्ट्रक्चर क्या है, यह HOH, HNO3 का स्ट्रक्चर क्या है, यह HO और NO2, ये HNO3 है। देखिए जब वाटर और HNO3 को मिलाएंगे तो ये H बॉन्ड बन गया, देखिए ये बहुत स्ट्रांग H बॉन्ड बन जाएगा, स्ट्रांग H बॉन्ड बन जाएगा। तो उसके चलते होगा क्या होगा, ये कि ये दोनों को मिलाए हैं, अब दोनों के बीच में स्ट्रांग फोर्स बन गया दोनों लिक्विड में, तब लिक्विड वेपर बनना नहीं चाहेगा, क्लियर है ना, लिक्विड वेपर बनना नहीं चाहेगा या टेंडेंसी वेपर बनने का कम हो जाएगा, लेस टेंडेंसी हो जाएगा टेंड टू वेपराइज, वेपर बनने का टेंडेंसी कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम मिलेगा, इसलिए ग्राफ आपको सारा नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डिवेशन के प्रॉपर्टीज क्या क्या खासियत है, फिर वह बोलता है ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है किस बात पर, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो नॉन आइडियल का मतलब क्या है, नॉन आइडियल का मतलब है सॉरी विथ नेगेटिव डिवेशन, इसका मतलब क्या है, ए और ए के बीच में जो फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन का वो था मान लो 10 न्यूटन, ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, सॉरी दूसरे कंटेनर में बी रखा हुआ है तो बी और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, ये भी कुछ मान लो आपका था 12 न्यूटन। अभी ए और बी आपने मिलाया और फोर्स कितना लगने लगा, तो कुछ फोर्स लग गया 25 न्यूटन मान लो, फोर्स ज्यादा लगने लगा तो वेपर बनने का टेंडेंसी कम हो गया, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा ये लिक्विड, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, इसलिए ये नेगेटिव डिवीजन कहला रहा है। लेकिन फोर्स ज्यादा लगने से हुआ क्या, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा है ना जब दो चीजों को मिलाए हैं, जब भी दो चीजों को मिलाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है तो डेल्टा एच
प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होगा और बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। अब एक काम करते हैं, तो ए का आपने ले लिया 10 ml, बी का भी ले लिया आपने कितना 10 ml, दोनों को जोड़ दिया तो कितना ml मिलना चाहिए आपको, इधर मिलना चाहिए आपको 20 ml। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब ए और बी को आपस में मिलाए हैं तो फोर्स बड़ा ज्यादा लगने लगा दोनों में, 25 न्यूटन लगने लगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाएंगे, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक चले जाएंगे तो जगह कम छेकेगा, तो 10-10 ml मिल करके 20 ml का जगह छेकना चाहिए था लेकिन उससे कम छेकेगा, कुछ ये हो जाएगा आपका 18 ml या फिर 15 ml या फिर 16 ml ऐसा हो जाएगा। इसी को हम लोग बोल देंगे डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। ठीक है, अब आपको पता ही है डेल्टा एस मिक्सिंग ये क्या होता है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, क्यों, क्योंकि दो चीज को जब भी मिलाएंगे तो दो चीज को मिलाएंगे, जैसे ए और बी को आपने एक कंटेनर में डाल दिया तो क्या हुआ होगा, रेंडमनेस बढ़ गया होगा, दो चीज मिलते हैं ना कभी भी तो दोनों एक दूसरे में रैंडमली घुल जाते हैं, तो रैंडमनेस बढ़ गया, इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। और दूसरा कि डेल्टा जी मिक्सिंग, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था ना वो था HNO3 को मिलाए थे पानी में, HNO3 प्लस वाटर का एग्जांपल लिए थे अभी हम लोग निगेटिव डेविएशन में, तो बताइए HNO3 एसिड है ना, एसिड और वाटर को जब मिलाते हैं तो ये अपने आप डिजॉल्व होता है, आपको मिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती, उसको अपने आप ही डिजॉल्व होता है, तो जो प्रोसेस अपने आप होता है उस प्रोसेस का मिक्सिंग का जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आइडियल नेगेटिव आइडियल नॉन आइडियल के दो टाइप, इन सब का आपस में कंपैरिजन करते हैं एक बार, और ये हमारा समरी हो जाएगा आज के क्लास का। तो देखिए क्या है, ये आपका डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है। तो देखिए पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर क्या है, रॉल्ट्स लॉ के आधार पर, रॉल्ट्स लॉ को अगर फॉलो करता है तो वो कहलाएगा यस, अगर फॉलो करता है तो क्या कहलाएगा, आइडियल। फॉलो करने का मतलब पी एक्सपेरिमेंटल किसके बराबर होना चाहिए, रॉल्ट्स लॉ के फॉर्मूला से निकाला गया प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला से जो प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर निकालेंगे इसको हम लोग पी एस बोल देते हैं। ये जो फॉर्मूला से निकाला हुआ प्रेशर, ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है, दोनों बराबर होने चाहिए। नॉन आइडियल मतलब क्या है कि रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉलो नहीं करने का मतलब जो पी एक्सपेरिमेंटल है वो फॉर्मूला से निकाला गया सॉल्यूशन का प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, ये बराबर नहीं है, एक्सपेरिमेंटल निकाला हुआ, इसको अच्छे से लिख दें, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा निकाला गया प्रेशर तो बराबर नहीं है, तो कौन ज्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा है, इसलिए देखिए ग्राफ ये ऊपर से गया है, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, पी एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और अब देखिए ये ग्राफ है, ग्राफ हम नहीं बता रहे हैं अभी क्योंकि डिटेल में हम बता चुके हैं तीनों ग्राफ। इंट्रैक्शन क्या है, इंट्रैक्शन के बेसिस पर ए और ए का जो इंट्रैक्टिव फोर्स है वही बी और बी का रहता है लगभग बराबर, और ए और बी का भी उसके बराबर रहता है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिवीशन में ए और ए का जो आपस में इंट्रैक्शन है और बी का जो इंट्रैक्शन है, इस दोनों से कम इंट्रैक्शन होता है, किसका, ए और बी का, इंट्रैक्शन कम हुआ, फोर्स कम लगा अट्रैक्टिव तो वेपर ज़्यादा बना है। और नेगेटिव डिवीशन मतलब जो आपस में ए और बी का होता है इंट्रैक्शन, उससे ज़्यादा फोर्स लगता है इंट्रैक्शन का ए और बी के बीच में, इसीलिए वेपर कम बनते हैं, प्रेशर आपको कम दिखाई दे रहा है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है एक्चुअल प्रेशर वो कम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट होता है डेल्टा एच मिक्सिंग, इसका हम वैल्यू लिख देते हैं, एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, जीरो है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब फोर्स, देखिए पहले जो फोर्स था
उससे कम फोर्स लग रहा है, उससे कम फोर्स लग रहा है यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया है, फोर्स कम हो गया यानी एनर्जी, फोर्स बढ़ जाता है अट्रैक्टिव तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो एनर्जी रिलीज होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो एनर्जी देना पड़ेगा, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर फोर्स कम हो गया तो लेस देन जीरो। बाकी डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा जी मिक्सिंग तो डिपेंड करता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो सारे प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, सोल्यूशन अपने आप बनता है, इसीलिए ये जो वैल्यू है डेल्टा जी मिक्सिंग का लेस देन जीरो है। और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं आप तो रेंडमली वो लोग मिक्स हो जाते हैं और रेंडमनेस बढ़ जाता है। डेल्टा वी मिक्सिंग आपको पता है कि यहाँ पर जीरो होता है, जब दो चीज़ों के बीच में फोर्स लगना कम हो गया, ए और बी के बीच में फोर्स लगना कम हो गया है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो ज़्यादा जगह छकेंगे, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा उसको। और यहाँ पर फोर्स ए और बी के बीच में देख रहे हैं फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है यानी मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगे, यानी कम जगह में रहेंगे, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो हो जाएगा। ये समरी है बच्चों, अभी हम इस पर बेस्ड, इस एक्सरसाइज, इस वीडियो पर बेस्ड आपको एक असाइनमेंट देंगे, आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करना है और अगले क्लास में लेकर के आना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तब तो आप लोग जो फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है उसको समझ गए होंगे, इसके आधार पर आपको आज का ये एक्सरसाइज जो डिस्प्ले हो रहा है इसको सॉल्व करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसका पीडीएफ भी गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देंगे और आप लोगों को लिंक भेज देंगे। ये 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 2 से लेकर के 5 तक डिस्प्ले हो रहा है, और ये सॉरी 8 क्वेश्चन है टोटल, और ये 6th, 7th और 8th, ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।